हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज अलेक्जेंडर बेबी पैरट को फ्री फ्राई करवाने जा रहे हैं, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा जंप करना सीख गया था, तो अभी काफ़ी अच्छा फ्लाई करने लगा है, उड़ के हाथ पे आने लगा है। तो जब उड़ के हाथ पे आने लगे तो 3-4 दिन कम से कम इसको फ्री फ्लाई ट्रेनिंग करवाएँ, फिर उसके बाद इसको बाहर ले जाएँ तब इसको फ्री फ्लाई करवाएँ, तो ये कहीं दूर जाएगा नहीं, आपके पास ही आएगा। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं फ्री फ्लाई कैसे कर रहा है, हाथ पे कैसे उड़ के आ रहा है। तो ये देखिए, इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे है। चलिए हम इसको लेकर चलते हैं, इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब ये उड़ने लगे थोड़ा थोड़ा, तो इसको बाहर ट्रेनिंग नहीं करवानी है, इसको घर के अंदर ट्रेनिंग करवानी है। घर के अंदर ट्रेनिंग करवाने से ये फ़ायदा रहता कि उड़ के दूर कहीं जाएगा नहीं, ऐसे बाहर करवाएंगे तो ये उड़ के बाहर चला जाएगा और दूर कहीं चला जाएगा, वह वापस नहीं आ पाएगा। तो पहले इसको घर के अंदर ही ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे ये मेरे पास उड़ कर आए, कहीं दूर जाए ना। तो चलिए इसको अंदर लेकर आ गए हैं। कम से कम एक हफ्ते इसको घर के अंदर ही ऐसे ट्रेनिंग करवानी होगी, जिससे ये बाहर फ्लाई करके जाए ना, आपके हाथ में आए, आपके हाथ के ऊपर आए। तो चलिए इसका फ्री फ्लाई करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अलेक्जेंडर बेबी पैरट, इसको चलिए बाहर निकालते हैं। ये काफ़ी अच्छी फ्लाइंग भी करने लगा है, और इसका कुछ दिनों में हम इसको बाहर लेकर चलेंगे फ्री फ्लाई करवाने के लिए, और आपको दिखाएंगे कैसे ये उड़कर हमारे पास आता है। देख सकते हैं अपने से ही बाहर निकलकर केज पे आके बैठ रहा है। ये कोई भी पैरट हो, जब थोड़ा थोड़ा जंप करना सीखे या उड़ने लगे तो इसको घर के अंदर ही ट्रेनिंग करवाना है, क्योंकि बाहर करवाएंगे तो उड़ेगा, उड़ने के बाद ये कहीं और भी जा सकता है। तो चलिए इसको हम नीचे रख कर बुलाते हैं। ये रहा, इसको यहाँ रखते हैं और फिर बुलाते हैं। ये देखिए, ऐसे जब उड़ने लगे तो इसको घर के अंदर ही फ्री फ्लाई करवाना है, बाहर नहीं करवाना है, क्योंकि बाहर जब इसको फ्री फ्लाई करवाएंगे या हाथ के ऊपर नहीं बैठ पाएगा आपके, तो ये उड़कर दूसरी जगह जा सकता है। तो रूम के अंदर अगर रहेगा तो कहीं दूर नहीं जाएगा, यहीं रूम के अंदर ही रहेगा। तो चलिए 3-4 ऐसे ही रूम के अंदर इसको फ्री फ्लाई करवाना है इसी तरह, जिससे ये अच्छे से उड़ना सीख जाए और आपके हाथ के ऊपर आए। ये देखिए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ्लाइंग कर रहा है। तो इसको 2-3 दिन घर में ही फ्री फ्लाई करवाएंगे, जिससे ये थोड़ा अच्छे से फ्लाई करना सीख जाए। तो उसके बाद इसको बाहर लेकर जाएंगे फील्ड में, इसकी फ्री फ्लाई दिखाते हैं आपको कैसे करता है बाहर। तो पहले ट्रेनिंग हम इसकी यहीं करवा रहे हैं 2-3 दिन कम से कम। इसका नाखून बहुत तेजी से तेज है। फिर से इसको बुलाते हैं। ये देखिए, इसी तरह ये उड़ के बाहर भी जा सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें रूम के अंदर करवाएंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, रूम में ही रहेगा। तो आस्ते आस्ते ये हमारे हाथ पे आना सेट हो जाएगा। फिर से हम इसको यहीं रखते हैं। अरे यार,
और फ्री फ्लाइज की करवाते हैं। फ्लाइंग इसी तरह करवाते रहें जिससे ये आपके पास आए। इसको यहां रखते हैं। ये देखिए इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करवानी होगी जिससे ये आपके हाथ पे आना एकदम सेट हो जाए, कहीं दूर ना जाए, सीधा उड़े तो आपके हाथ पे ही आए। तो कई बार प्रैक्टिस यहीं करवाएंगे हमें तो ये सीख जाएगा। फिर इसको रखकर बुलाते हैं। देखिए फिर उड़कर आ गया। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करवाते रहे। जब ये अच्छे से फ्लाई करने लगे तो और दूर रखकर बुलाएं इसे और ऊंची जगह रखकर बुलाएं जिससे ये हर जगह से उड़कर आपके पास आना चाहे तो समझ जाइए कि ये प्री फ्लाई टाइम हो चुका है। तब इसे बाहर ले जाकर ओपन करेंगे और प्री फ्लाई करवाएंगे तो ये कहीं दूर जाएगा नहीं, आपके पास ही आएगा उड़ के और ये अच्छे से फ्री फ्लाई टाइम हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो में व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है, इसके लिए भाई लोग आप सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए वीडियो, जिससे इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, थोड़ा तो लाइक और कमेंट तो मिलना चाहिए। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें वीडियो को।